अगर कोई भी स्टूडेंट डी फार्मा का कोर्स करता है तो उसके माइंड में एक बात जरूर आती है कि डी फार्मा का कोर्स करने के बाद आगे उसका करियर कैसा होगा, उसको कैसी जॉब मिलेगी, उसको कितनी सैलरी मिलेगी। इस तरह की तमाम बातें किसी भी स्टूडेंट के मन में आ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डी फार्मा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर आप डी फार्मा करने की सोच रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि डी फार्मा कैंडिडेट को कितनी सैलरी मिलती है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का होता है। और इस कोर्स को वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन जिनका हो, वही डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। डी फार्मा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको डी फार्मा की फीस वगैरह के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझाया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि डी फार्मा करने वाले स्टूडेंट को कितनी सैलरी मिल सकती है। देखो गाइस, हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, ये हेल्थ सेक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है। अब सभी लोग पहले से बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर अवेयर रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं। और जब ये संभावनाएं बढ़ेंगी तो ऑब्वियस ही बात है, जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और उनका करियर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। अगर आप डी फार्मा का कोर्स करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कहीं से भी जॉब कर सकते हैं। आप चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बन सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट है कि जो कि फ्रेशर्स बन सकते हैं और कुछ ऐसे पोस्ट है कि आपको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बारी आती है कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो गाइस, अगर हम लोग सैलरी की बात करें, अगर आप फ्रेशर्स हैं, यानी कि अभी आपने अपनी कोर्स कंप्लीट की है, उसके बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये होगी स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी को तो तुरंत गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल नहीं पाती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो दोस्तों आपको मिनिमम जो आपकी सैलरी होगी 15,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। कहीं कहीं हो सकते कि थोड़ा बहुत कम हो, 12,000 हो, लेकिन जो एवरेज है, जो कि ज़्यादातर जगहों पे होता है, 15,000 रुपये होती है। आप इतना मान के चल सकते हैं। और उसके अलावा टोटली डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर। आपको जितनी नॉलेज होगी दोस्तों, आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी। हो सकते कि आने वाले टाइम में आपकी सैलरी 25,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डी फार्मा का कोर्स किया था, लेकिन आज उनकी सैलरी 50,000 रुपये मंथली तक है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डी फार्मा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डी फार्मा के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर जाके सिंपली सर्च कीजिए HowToBecomeInIndia.in, आपको आयुष रीना वेबसाइट मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर से चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।